कांग्रेस की संदेश यात्रा के स्वागत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उभरते हुए नेता के रूप में कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल का नाम इन दिनों अपनी अलग चमक बिखेर रहा है। कांग्रेस की संदेश यात्रा के स्वागत में मनोज अग्रवाल के हजारों समर्थक यात्रा के अभिनंदन के लिए एकजुट होकर पहुँचे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कदावर नेता किरण चौधरी पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की संदेश यात्रा का उद्देश्य है कि कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि आगामी चुनाव में भाजपा का सत्ता पलट सके। और क्या कहा, आइए जानते हैं पाइनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। ये बल्लभगढ़ अनाज मंडी के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंच रही है, उसका अभिनंदन समारोह यहां रखा गया है। इस संदेश यात्रा के अंदर हमारी बड़ी बहन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और श्रीमती किरण चौधरी जी पहुँच रही है। मेरा जिला फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की देवदुल्ले जनता से निवेदन है, यहाँ पहुँचे और अपने नेताओं को सुने। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर भीड़ देखी गई है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच एक संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि यात्रा से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। तो अब यहाँ पर जो आपने नाम गिनवाए हैं, इनमें कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन पहुँचने वाले हैं? ये मैं बता रहा कि सभी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, रणदीप जी हो, किरण चौधरी जी हो और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और काफ़ी विधायक बल्लभगढ़ हरियाणा के सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तैयारियाँ आपकी पूरी हैं, लोगों का कैसे प्यार मिल रहा है? जी पूरा आप देखते हैं, पूरा बल्लभगढ़ विधानसभा पूरे जिले से लोग पहुँचे हुए हैं और एजेंसी भी आपको दिखा सकता है कि क्या कह रही है, किस तरह अपने नेता को सुना है, किस तरह मनोज अग्रवाल को लोग सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। कब तक चलेगा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम शाम को 5 बजे तक चलेगा।